हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग होप यू आर वेल सर आई कैन सी हियर स्टूडेंट्स हैव नितिन रूबी यास्मिन जया एंड एवरीवन तो चलिए बच्चों क्लास विजिबल एंड ऑडिबल है सबको मुझे बताएं एक बार इज द क्लास विजिबल एंड ऑडिबल टू यू आज की जो हमारी कहानी है दैट इज द फ्रेंडली मंगोज सो फ्रेंडली वी आर जस्ट गोइंग टू डू अगर हम इस वर्क को देखें ठीक है जया बहुत अच्छे आरूज इट्स गुड रूबी डन बच्चों। तो अगर हम इस कहानी को देखें दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम पंचतंत्र कहां से ली गई है पंचतंत्र से ली गई है एंड दैट वॉज रिटन बाई विष्णु शर्मा तो विष्णु शर्मा वी सी हेयर द राइटर ऑफ दिस तो विष्णु शर्मा इज द राइटर पंचतन एंड द स्टोरी इज द फ्रेंडली मैंगोस टीजीटी में है सब बच्चों को पता होना चाहिए इट इज अ पार्ट ऑफ टीजीटी अब आप यहां पे देख सकते हैं इस पिक्चर में देख सकते हैं वट काइंड ऑफ द स्नेक इज देयर है ना लेडी इज देयर ऑल्सो वी सी हेयर द स्लीपिंग चाइल्ड इन दैम तो क्रेडल में क्रेडल में बच्चा लेटा हुआ है हम उसको देख सकते हैं सो so, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और देखते हैं इसमें क्या है बेटा एमसी क्यू इसके बाद होंगे ना रितु रितु एमसीक्यू इसके बाद होंगे पहले स्टोरी को देखते हैं देखो बच्चे स्टोरी में क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंगूज को नेवले को देख रहे हैं और ये पिक्चर है यहाँ पे लेडी है उसका हस्बैंड है बच्चा है ये उनका अपना घर है वंस अ फार्मर एंड इज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विलेज में रहते थे विद स्मॉल सन अपने छोटे बच्चे के साथ आगे क्या होता है दे लव्ड हिम वेरी मच बहुत प्यार करते थे वी मस्ट हैव अ पेट हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए द फार्मर सेट टू हिज वाइफ वन डे वेन अवर सन ग्रोज जब बच्चा बड़ा होगा ही विल नीड अ कंपेनियन साथी चाहिएगा दिस पेट विल बी अवर सन कंपेनियन बेटे का साथी बनेगा हिज वाइफ लाइक द आइडिया वाइफ ने भी उस आइडिया को बच्चों क्या किया लाइक like किया वन इवनिंग द फार्मर ब्रोट विद हिम

बेबीज स्लीपिंगली आई डोंट लाइक टू लीव द मैंग के साथ छोड़ना अच्छा <coughs> बड़े दोस्ताना होते हैं इट इज एज स्वीट एज अवर बेबी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बच्चो एज स्वीट एज अवर बेबी का मीनि उसने यहाँ पे यूज किया है दे आर देंड्स यू नो

चिल्लाई शी वॉज ब्लाइंड मतलब डर से और गुस्से से ब्लाइंड विद रेज गुस्से में पागल हो गई रेज का मीन गुस्सा एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोक डाउन दी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज उसके ऊपर जो वो टोकरी थी वो दे मारी उसने ये देखो यही वाला पिक्चर वहां पर दिखा रहे हैं ऑन द ब्लड स्मिर्ड मंगोस ब्लड के ऊपर उसने दे मारा रेन इन चाइल्ड स्क्रेडल और बच्चे के पालने की तरफ भागी द बेबी दॉज फास्ट स्लीप बच्चा गहरी नींद में सो रहा था फास्ट स्लीप का गहरी नींद में था बट ऑन द फ्लोर लेक टोन एंड ब्लीडिंग एक ब्लैक स्नेक पड़ा था कटाफटा हुआ और ब्लीड करता हुआ इन ए फ्लैश एक सेकंड में उसको समझ में आएगा रियलाइज वोट हैज ए शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मैंगूज वो देखने के लिए ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड यू किल्ड द स्नेक What have I done? मैंने क्या किया शी क्राइड टचिंग मैंगूव एंड स्टिल की आवाज ना सुनते हुए the farmer's wife who had acted hastily, जिसे जल्दबाजी में रैशली बहुत तेजी में स्टेड लॉन्ग एट द डेड मैंग की तरफ देखा बेबी क्राइंग वाइपिंग हर टीयर्स अपने आंसू को पहुंच के वे टू फीड हिम उसे दूध पिलाने चली गई बच्चों जरा मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये ये कहानी आपको पंचतंत्र की विष्णु शर्मा की क्या बढ़िया लगी या फिर नहीं लगी वोट द मोरल ऑफ दिस स्टोरी अब आप मुझे बताएंगे सब बच्चे मुझे बताएं कि हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी और इसका मोरल क्या है बच्चों <coughs> बताइए अगर आपसे एक लाइन में पूछा मोरल क्या है तो हाउ डूड यू आंसर एग्जैक्टली बच्चों हमें जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए वी शुड गिव अ सेकेंड थॉट क्यों कहा जाता है सेकेंड थॉट क्योंकि हमें सेकेंड थॉट किसी भी चीज को जरूर देनी चाहिए नहीं तो बच्चों मुश्किल की कंडीशन बन जाती है हमारे लिए इज दैट क्लियर टू एवरी वन राइट बच्चों बहुत अच्छे हाँ हमें एक्ट नहीं करना चाहिए जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए तो बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों ना हम इस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लें तो चलो इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं हैव सम बेस्ड ऑन दिस तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन द फ्रेंडली मंगोज क्वेश्चन के लिए सब बच्चे तैयार हैं हाँ मतलब जब हम कहते हैं गिव अ सेकेंड थॉट इसका मीन होता है कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लो और वो जरूरी होता है अदरवाइज तो हिस्टली हम अक्सर वेस्ट करते हैं चलो बच्चों ये रहा फिर आपका पहला क्वेश्चन द फार्मर्स वाइफ जम्प्ट टू द कॉन्क्लूजन दैट इट वॉज क्या था हर हजबेंड ब्लड सन्स ब्लड पेट डॉग्स ब्लड या फिर हर कैट्स ब्लड फार्मर की वाइफ ने बच्चों इसको क्या सोचा ये किसका ब्लड था उसे किसका ब्लड लगाए ये आपको बताना है एग्जैक्टली बच्चों इट वॉज बी उसके सन का ब्लड आ गया है फैंटेस्टिक आंसर हु लाइक द आइडिया ऑफ कीपिंग अ पेट किसने लाइक किया इस आइडिया को कि एक पेट लेके आते हैं फार्मर ने वाइफ ने मैंगोज ने या फिर बच्चों स्नेक ने ये आइडिया किसने बेसिकली यहां पे लाइक like किया ये आपको बताना है एग्जैक्टली exactly बच्चों ये वाइफ ने किया द फार्मर्स वाइफ बहुत अच्छे बी आंसर बनेगा इसका भी हमारा आंसर यहां पे बी बनेगा करेक्ट दिव्या जया पूजा याशमिन रूबी राखी रचना ज्योति सभी बच्चे आरूस बिल्कुल सही कर रहे हैं वेयर डिड अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव कहां रहते थे विलेज में टाउन में बिग सिटी में स्मॉल सिटी में तो बच्चों देखो ये बेसिकली बेस्ड है आपकी मेमोरी के आपने अभी भी पढ़ा फिर उसको देख रहे हैं बी आंसर टाउन में बच्चों टाउन में कैसे कहां से रख दिया आपने इसको? वंस अ फार्मर लिव्ड इन विलेज अभी वो विलेज में था आपने सीधा उसको टाउन में भेज दिया है ये तो गलत बात है इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएगा अभी उसे कमाना पड़ेगा तभी तो पहुंचेगा तो बच्चों विलेज में रहता था आप हेस्ट कर दी है आपने भी हेस्ट मेक्स वेस्ट की कहानी आपने फिट कर दी वंस अ फार्मर एंड इज वाइफ लिव्ड अच्छा तो हो गया हाँ ठीक है ठीक है वंस लिव विदर ग्राउंड अप सन प्रॉपर्टी विद स्मॉल सन कंपैरेटिवली बताइए ग्राउन अप का मींस बच्चों होता क्या है एडल्ट तो क्या उसका उसके बेटे एडल्ट थे ये आपको देखना है या नहीं थे आपको चेक करना होगा All right, तो स्मॉल सन बिल्कुल सही आंसर जाएगा विद स्मॉल सन करेक्ट एवरी वन वन इवनिंग द फार्मर ब्रोट विद हिम क्या लेके आया टाइनी मैंगोज टाइनी स्नेक टाइनी रेट या फिर बच्चों टाइनी रैबिट वो लेके क्या आया अपने साथ <coughs> एग्जैक्टली exactly बच्चों ये आंसर हमारा ए बनेगा फैंटेस्टिक आंसर कर रहे हैं आप लोग ये बिल्कुल सही है टाइनी द फार्मर सेट दैट वेन देयर सन ग्रॉन अप जब बेटा जवान होगा बड़ा होगा ही विल नीड अ पैरेट गन टॉय कंपेनियन क्या चाहिएगा उसको उसको किसकी जरूरत होगी डी कंपेनियन की बहुत अच्छे बच्चों से साथी की जरूरत होगी वॉज शाइनिंग विद ब्लैक आईज एंड बुशी टेल कौन चमक रहा था टाइनी स्नेक टाइनी रेट मैंगोज या फिर बच्चों नन ऑफ दीज हम यहां पे किसको आंसर करेंगे बिल्कुल बच्चों बिल्कुल करेक्ट है इट वॉज द टाइनी मैंगोज वट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडल क्रेडल का मीन्स क्या है बेड बेड बेबीज रॉकिंग बेड या फिर बच्चों बाथ हैंड इनमें से हम क्या बनाएंगे बेबीज रॉकिंग बेड या बाथ बैंड राइट बच्चों सी बनेगा रॉकिंग बेड वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो कहां जाना चाहती टू हर सिस्टर्स हाउस पिकनिक मार्केट टू हर आंट्स हाउस वो कहां जाना चाहती थी राइट right, बच्चों बहुत अच्छे टू द मार्केट फेंटेस्टिक आंसर देखो आपको पकड़ में आ रही है चीजें बहुत बढ़िया से वट इज द मीनिंग ऑफ हाइट हिस्टेरिकली हिस्टेरिकली का यहां पर बच्चों मीन्स क्या है वट डू वी मीन बाई हिस्टेरिकली क्या बताएंगे आप इससे डी बेडली मेडली मेट फ्रेंडली एग्जैक्टली exactly, बच्चों सी बनेगा मेडली पागलपन में Why डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मैंगोज विद हर बास्केट उसने क्यों उसे उसके ऊपर बास्केट दे मारी What was the रीजन बिहाइंड उसने ऐसा बच्चों क्यों किया एग्जैक्टली exactly, बच्चों बिकॉज शी थोट ही बेबी आंसर हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट द फार्मर्स वाइफ जम्प्ट टू द कॉन्क्लूजन दट इट वॉज हर हजब हो गया है वाइपिंग हर टीय द फार्मर्स वाइफ वेन टू कहां पर गई अपने आंसू पहुंच के फार्मर की वाइफ कहां गई सर्व द गैस फीड द बेबी स्वीप द फ्लोर या फिर क्लीन दूटेंसिल्स ऑल राइट right, बच्चों बहुत अच्छे बी बनेगा फीड द बेबी द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ दैट द मैंगोज वुड बी अ फ्रेंड टू किसका फ्रेंड होगा देम देयर 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 सन डॉटर एंड फ्रेंड्स हम बहुत फास्ट अप कर रहे हैं बच्चों एक लेसन हमने पंद्रह मिनट में लगभग खत्म कर दिया है विद क्वेश्चंस बहुत अच्छे बच्चों सन के लिए एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया तो देखो अब तक हम लगभग तीन चैप्टर इसमें पूरे कर चुके हैं ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करते बाकी आप साथ साथ करते रहिए कहीं ना कहीं बच्चों आपको बढ़िया हेल्प करेगा नाउ वी टेक <coughs> नाउ वी टेक सम पेजेस हेयर Just one minute. We have to take the sheet over here. एक बार क्विक एक्सेस में देखते हैं यस yes, बच्चों हम कल इसपे वर्क कर रहे थे इसको देखते हैं तो ये जो चैप्टर है ये आपका बच्चों पीजीटी का है ये किसका वर्क है ये पीजीटी का है केवीएस पीजीटी कल हमने इस पर वर्क किया था आई हेड आस्ट यू के गो थ्रू दिस इसको पढ़ के आए सब बच्चे और इस उसपे वर्क करते हैं आज तो फायर एंड आइस पोएट्री आई हेड टोल्ड यू दिस आर दिस इज द टेक्स्ट हेयर सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस अब देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग हम इसके आगे की लाइन पे आते हैं जरा इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेस द टू वेज वो दो वेज बताता है बच्चों इन विच द वर्ल्ड विल एंड सम पीपल से दैट द वर्ल्ड बाय फायर फायर से कहते हैं बच्चों खतरनाक डिजायर ऑफ ह्यूमन इमोशन सो ही विल फेवर दो एंड द वर्ल्ड एंड करेगी वर्ल्ड को दैन द पोएट री थिंक्स वो फिर दोबारा सोचता है इंड इमेजिन इफ द वर्ल्ड हैजू डाई टू आइस अगर दोबारा मरना पड़ा इस हैज दिलिटी सिमिलर टू फायर टू डे द होल वर्ल्ड इसका मतलब दो वेज ये दोनों ही कौन थिंक कर रहे हैं हमारे Summary, ice, the nature. किसकी है बच्चों ह्यूमन बींग की अकोर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड फॉर डिजायर अब आपको ध्यान रखना है जो फायर है लस्ट को, को, को दिखाती है देर इज नो एंड टू सच इमोशन द मोर ह्यूमन ट्राई टू फुलफिल देश

They are indifferent to others, happiness and sorrow. Thus the poet says that the since ice and fire both are growing with such rapid speed in the world will end soon either by fire or ice. The poem conveys a beautiful message uh, that human emotions rule over them. If humans don't control their emotions, they will ruin their life and bring it to the verge of chaos. क्या उसका मीन से बच्चों अराजकता पे आ जाएगी जिंदगी राइट <coughs> right? हाँ बच्चों ये नेट में नेट के लिए भी आ, काम करेगा आपके बिल्कुल सही बात है इट वुड बी वर्किंग एज वेल द नेट नाउ यू सी एंड कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क अब बच्चों जरा इसको देखते हैं ये पूरी इसी की कहानी थी पूरी बात हमें समझ में आ गई लेकिन आपको जो करना है बच्चों वो क्या करना है यू नीड टू टेक द फिगर ऑफ स्पीच डिवाइस इज हेयर बताओ बच्चों इसमें क्या डिवाइस है सम से बताइए जरा इसमें क्या है सम से में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनेगा आपका रूबी अर्चना ऋतुश्री जी ऋतुश्री वेरी गुड इवनिंग ऋतु आप मुझे फोन करना ऋतुश्री राखी राधा ऑल राइट बच्चों तो जरा मुझे बत... एना फुरा एलिट्रेशन बेटा एक में पूछा है एक लाइन में तो एलिट्रेशन बनेगा ना सम से एस एस रेपिटेशन ऑफ द रेपिटेशन किसका हो रहा है साउंड का लेकिन जब मैं कहता हूं आपसे सम से सम से दो लाइन में एक जैसी चीज का रेपिटेशन अब जाके आपका एनाफोरा बनेगा यानी अगर वो कहे सिर्फ इसमें क्या है तो एलिट्रेशन है बच्चों और अगर इन दोनों में कहें तो ये एनाफोरा है एनाफोरा का मीन है जैसे फाइव ईयर्स पास्ट फाइव इन फाइव विंटर्स गोन फाइव समर्स गोन ये सारे बनते हैं कर सकते हैं बच्चों आप जी दैट्स राइट फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दो फायर बताओ बच्चों फेवर फायर में क्या है बट इट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस अगर इसे दो बार मतलब पेरिस का मीन से खत्म ना हुआ आई थिंक आई नो इन मैं हेट को बढ़िया जानता हूं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आईज इज ऑल्सो ग्रेट है ना एंड वुड सफेस सफिशियंट होगा तो बताइए बच्चों फेवर फायर में क्या बनेगा यस एवरी वन एग्जैक्टली एलिट्रेशन है ये बच्चों फिर से यहां पे एलिट्रेशन बनाएगा ठीक है जी और देखो और इसमें कुछ हो सकता है क्या बट इफ इट हैड टू पेरिस्ट्राइज नो इनफ नो इनफ हां नो इनफ नहीं बनेगा से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑल्सो ग्रेट वुड सफेस नहीं बनेगा और इसमें नहीं दिख रहा है बच्चों बेटा श्वेता हाँ श्वेता पीडीटी का भी कराएंगे आ, ये तो, अच्छे, -डी -डी में है, -डी -डी की मिलेंगे कल फिर थैंक यू सो मच है हाँ सब बच्चे छोटा छोटा ऐसा ही एफर्ट लगातार करते रहिए जी छाया टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दीजिए बेटा छाया इसमें रेंडमली लिया जाता है टॉपिक वाइज तो बड़ा मुश्किल होगा है ना जो इस पर हो रहा है इसको देखते चलो आप लोग Alright, Bacho. Thank you so much. Have a great time. Bye-bye.